ये अक्षरधाम मंदिर का किला है। स्वामी नारायण जो कि पहले तो गुरु थे लेकिन बाद में इनको भगवान की उपाधि मिली। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और दिल्ली में आज हमारा चौथा दिन है, day 4। तो देखिए हम लोग गाड़ी वगैरह सब यहाँ पे पार्क कर दी है और हम लोग आज आए हैं अक्षरधाम मंदिर के लिए। ये देखिए मैं आपको बैक साइड से दिखा रहा हूँ, विवेक देखिए हाय कर रहा है, संजय भी साथ में है, सभी लोग हैं। तो हम लोग अक्षरधाम मंदिर दर्शन करने के लिए आए हैं, बट हम लोगों का मोबाइल यहाँ पे अलाउड नहीं है। आप लोगों को भी पता होगा जो भी यहाँ आए होंगे, मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। तो मैं आपको बाहर से यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। ये अक्षरधाम मंदिर का किला है, ये देखिए ये पूरा एरिया अक्षरधाम मंदिर का है। और हमारी गाड़ी देखिए वहाँ पे पार्क है, यहाँ से हम लोगों को जाना है पैदल। ये देखिए मेन मंदिर ये है, जूम करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और कितना बड़ा एरिया है देखिए, उधर से लेके पूरा एकदम मतलब बहुत बड़ा है। इसीलिए गाइस मैं आपको अंदर तो नहीं ले जा पा रहा हूँ, मैं बहुत मन था कि मैं आपको दर्शन कराऊँ अंदर जाके, बट यहाँ पे मोबाइल अलाउड ही नहीं है। अंदर कोई मोबाइल नहीं ले सकता क्योंकि लोग फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं हम लोग जैसे, इसीलिए तो मना किया जाता है वहाँ पे। तो आप लोग बाहर से दर्शन कर लीजिए फिलहाल, और जब भी दिल्ली आइएगा फिर आके अपना आराम से दर्शन करिएगा आप लोग, फिर हम लोग भी चलते हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया 11-12 बजे। और यहाँ का टाइमिंग गाइस 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है, तो ये आप लोग ध्यान देना, 10 से 6 यहाँ ओपनिंग रहती है, ठीक है? तो हम लोग चलते हैं, मोबाइल रख देते हैं और फिर जैसा होगा जैसे दर्शन करेंगे, अंदर क्या क्या हुआ आपको सब मैं बता दूंगा डिटेल में। और इसके बाद फिर जहाँ जाना होगा फिर वहाँ का ब्लॉग आपको मैं बना के दिखाऊंगा। तो गाइस हम लोग अभी अक्षरधाम मंदिर से जस्ट एग्जिट किए हैं और बहुत शानदार नज़ारा है वहाँ पे गाइस, यहाँ के इतना अच्छा लगा, इतना सुकून मिल रहा था, मतलब कि सब पुरानी चीज़ें यादें आ रही थी और बहुत ही अच्छा वहाँ का व्यू था। और उनके अंदर स्वामी जी एक थे, स्वामी नारायण जी, जिनके नाम पे ये उन्हीं के लिए बना गया अक्षरधाम मंदिर। तो मुझे तो इतना पता नहीं था, मैं आया तो मुझे देखा, उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे जैसे कृष्ण भगवान जी थे, भोलेनाथ थे, गणपति जी, सबके मूर्तियाँ बनी हुई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को। और मोबाइल तो अलाउड नहीं था इसीलिए हम लोगों ने आपको, मैं सोचा जो भी डिटेल मैंने देखा है वो बता देता हूँ। तो वही गाइस हम लोग अभी घूम के आ रहे थे और मुझे तो ज़्यादा डिटेल पता नहीं है, संजय से बात करिए, संजय आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, देखिए पहले ये पूरी टीम क्या पूरी फैमिली, और हम लोग अभी दरअसल अक्षरधाम मंदिर से बाहर निकले हैं। 1-1.5 घंटे पहले के आसपास हम लोग आए थे और जब वहाँ पर गए तो स्वामी नारायण जो कि पहले तो गुरु थे लेकिन बाद में इनको भगवान की उपाधि मिली, और जहाँ जहाँ पूरे वर्ल्ड में गए वहाँ वहाँ पर अक्षरधाम टेम्पल का निर्माण होता चला गया। तो उनके साथ जुड़ते गए, बहुत सारे गुरु थे जिनको इन्होंने दीक्षा दी और उसके बाद वो इनके साथ कारवा बनता चला गया। गुजरात पहुंचे, वहां पर भी एक भव्य मंदिर आपको याद होगा, लेकिन यहाँ जब अंदर आप आएंगे तो मैं सबको कहूंगा कि दिल्ली अगर आप आ रहे हैं तो प्लीज यहाँ पर आइए। यहाँ पर आपको हिंदू, हमारी जो कल्चर है, हमारी जो पहले की सभ्यताएं थी या फिर कहा जाए कि हमारी जो शैली थी वो आपको दिखाई देगा। जैसे आप दक्षिण के मंदिर में जाते हैं और वहाँ मंदिरों का जो निर्माण होता है, जो नक्काशियाँ होती हैं, वो दिखाती हैं कि किस तरीके से सदियों पुराने जो हमारे मंदिर की प्रथा हुआ करती थी या गुंबद सिस्टम हुआ करता था या फिर जो हमारी कलाकृतियाँ थी वो प्राचीन से प्राचीनतम मानी जाती हैं, और वो हर एक चीज़ यहाँ पर आपको भव्य तरीके से दिखाई देगी। और दूसरा ये है कि दरअसल ये स्वामी नारायण जिनको आप नीलकंठ महाराज के नाम से भी जानते हैं, अयोध्या में जन्म हुआ था, उसके बाद वो 11 साल की उम्र में पूरा घर छोड़कर मतलब संन्यास उन्होंने ले लिया और पूरे वर्ल्ड टूर में चले गए। उतनी कम उम्र में लोग हतप्रभ होते थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि हतप्रभ होते थे कि छोटा बच्चा जिसको संभालने के लिए लोग चाहिए होते हैं वो पूरी दुनिया को ज्ञान देता हुआ जा रहा है। और इतनी छोटी उम्र में संन्यास का मतलब होता नहीं, लेकिन असल में जो लोग ऐसे होते हैं वो जैसे महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उसी तरीके से समझिए कि इन्होंने एक प्रथा, नाथ प्रथा संप्रदाय की शुरुआत की, और उसके बाद जहां जहां गए वो कारवा बनता चला गया, मुनियों ऋषि मुनियों को जोड़ते चले गए, संतों को ज्ञान देते चले गए, और उसके बाद एक अलग हिंदू धर्म में ही एक विंग बनाकर अलग तरीके से उसको प्रचारित किया। इसीलिए चाहे हिंदुस्तान के कई कोने में जाएंगे अक्षरधाम आपको मिलेगा, चाहे वर्ल्ड में कहीं चले जाए मिलेगा। दूसरा ये कि यहाँ आपको ना आने के बाद ये समझ में आता है कि दरअसल कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आपको हिंदुस्तान में बहुत रेयर, आप लोगों ने या तो जानते नहीं होंगे या यूनिक चीज है,
और महसूस अच्छा करेंगे। कल्चर वहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है जहाँ पर ऐसा मंदिर है कि जैसे आप लोग प्रसाद वगैरह कुछ नहीं, ना प्रसाद फूल माला अगरबत्ती कुछ नहीं चढ़ा। तो दूसरे मंदिरों में आप जाते हैं तो वहाँ पर पंडित पुजारी होते हैं, पूजा करवाई जाती है। यहाँ पर जलाभिषेक रुद्राभिषेक अपनी तरफ से कर सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं कि आपको यहाँ प्रसाद या माला या फिर आपको कतार में लगना है, तमाम चीजें वैसा कुछ नहीं। आप आइए, दर्शन करिए, बाहर आपको प्रसाद लेना है, एक जगह काउंटर लगा है, वहां से पेड़ा वगैरह ले सकते हैं, खाने पीने की व्यवस्था है। एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर भी आ सकते हैं, स्वामी जी के दर्शन करने को भी आ सकते हैं। 7-8 और भगवान जो हमारे हिंदू कल्चर में है, जिनमें भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, भोलेनाथ है, इसके अलावा गणेश भगवान है, तो सबकी, और इसके अलावा विष्णु भगवान, सबकी जो है कि मूर्तियां यहाँ पर हैं, जहाँ पर स्वामी जी की गर्भगृह में स्थापना है उसके चारों तरफ हैं। तो अगर ऐसा आपको कभी दर्शन करने का मौका मिले तो आइए। और मुझे लगता है कि अगर दिल्ली टूर पर आप आ रहे हैं तो अक्षरधाम नहीं आए तो आपकी टूर अधूरी मानी जाएगी। तो ये जरूर है कि दिल्ली आए तो ऐसा है। बाकी आरकेवाई ब्लॉग में आपको डिटेल सारी चीजें मिलती जाएंगी, जितने दिल्ली की सारी चीजें हैं वो एक एक करके हम लोग शूट करते जाएंगे, क्योंकि हम लोग निकले हैं अभी घूमने, और शूट करके आपके तक पहुंचाते भी जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर दिल्ली को समझना है, दिल्ली को कभी आना है तो आपको चीजों को आसान करना है, तो आप पहले आरकेवाई ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी यहाँ से वीडियोस जाती हैं वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और ये जरूर है कि अगर इसको शेयर कर सके, लोगों तक पहुंचा सके, कुछ को आपको कुछ यूनिक लगा, बेहतर लगा, तो आप उसको लोगों को बताइए, शेयर करेंगे तो 4-5 लोग हाँ जाएंगे। और कोशिश हमारी यही होती है कि हम आपको वो चीजें दिखा पाए अभी इस टूर में, बाकी तो रूटीन की चीजें आप राकेश भाई आपको दिखाते हैं, लेकिन इस टूर में वो हम आपको दिखाएंगे जो दिल्ली में आप लोग बहुत रेयर या तो जानते नहीं होंगे, जानते होंगे तो बहुत रेयर वीडियोज में आपको मिलते हैं। ये मेरे जो भाई थे संजय जी, इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इन्होंने दिया, क्योंकि मोबाइल अंदर लाउड नहीं थी तो हम लोग आपको हर चीज़ वहाँ के दिखा नहीं सकते थे, मेन रीज़न ये था। तो ये बताना ज़रूरी था कि अंदर क्या क्या है, तो आपको अच्छे से डिटेल मिल गई है। तो अब आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे, हम लोग कहीं और जा रहे हैं, आई थिंक हम लोग जा रहे हैं रेड फोर्ट जा रहे हैं, तो इसका ब्लॉग आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा, क्योंकि नहीं तो ब्लॉग एक ही ब्लॉग में काफ़ी लंबे हो जाएंगे। तो अक्षरधाम की सारे डिटेल हमने बता दी है आपको, उसके बाद हम लोग अभी जा रहे हैं रेड फोर्ट, ये नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा। तब तक के लिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए कैसा लग रहा है हम लोगों का वीडियो, हम लोग जो घूम रहे हैं इतना अच्छा लग रहा है, आप लोगों को दिखा रहे हैं। ठीक है गाइस, चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अगले दिन फिर दूसरा ब्लॉग में मिलते हैं। बाय। क्या बोल रहे कीर्ति? कौन?